अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं सब? खैर खैरियत है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आज होगी सऊदी अरब के उमरे के मुतलक बात, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने उमरा 1 नवंबर से खोल दिया है, जिसकी अपडेट दे दी है कि सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन जो हैं वो 1 नवंबर से जा सकते हैं। और इसमें जाने के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। तो शर्तें जो हैं वो ये हैं कि जो आदमी ने उमरा करना है उसकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल तक के आदमी उमरा कर सकते हैं। और जो खारजी लोग हैं, ये खारजी लोगों के लिए है, और जो वहाँ के मवातन हैं के अरबी हैं उनके लिए 18 साल से लेके 65 साल तक वहाँ के मवातन लोग जो हैं वो उमरा कर सकते हैं। और उम्रे पर जाने के लिए जो सबसे पहले है शर्त, वो ये है कि उम्रा 50 आदमी एक यक मुश्त, यानी कि एक ग्रुप जो होएगा वो 50 आदमी का ग्रुप होगा, और वो इकट्ठे एक ही जहाज़ में सफ़र करेंगे। और उसके बाद जब वहाँ वो जद्दा पहुँच जाएंगे, और वहाँ से जो उनको बस जो भी है वो लेने आएगी, और उनके जो हैं बस के जो ऊपर अंदर के जो हैं मामलात, वो ऐसे हैं कि एक बस के अंदर तकरीबन 45 सीटें होती हैं, और 45 सीटों में से जो हैं तकरीबन एक बस में 21 लोग जाएंगे, यानी कि 45 सीटें हैं और 21 लोग जो हैं बैठ के जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो होटल के जो फ्लोर हैं वो 10 हैं, 20 हैं, एक फ्लोर में जितने भी रूम हैं उनमें से तकरीबन 50 आदमियों का ग्रुप रह सकता है, यानी कि एक कमरे में 2 आदमी रह सकते हैं। और दूसरा जो है उसके बाद वहाँ पे हाजियों को हर रोज़ हाजियों का जो टम्परेचर है वो हर रोज़ चेक होगा। और इसी तरह एक 14 दिन का जो पैकेज है, 14 दिन के पैकेज में आदमी सिर्फ एक दफ़ा ही उमरा कर सकेगा, और 14 दिन के बाद उसको दोबारा उमरे की इजाज़त मिलेगी। ये जो है इन्फॉर्मेशन, ये इसलिए आपको दी है कि इसमें उम्र का और ये सारा चीज़ें जो हैं वो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और वहाँ पे आप लोगों को रहने में आगे पूरी गवर्नमेंट के वजारत दाखला होटल के अंदर लोग होंगे जो उमरा ज़ायरीन को ख्याल रखेंगे, और होटल में तकरीबन 10% होटल के जो कमरे होंगे वो कोरोना के लिए रखे जाएंगे। अगर किसी आदमी को कुछ होता है उसी होटल में 10% कमरे होंगे जिनमें कोरोना के लोगों को रखा जाएगा, अगर किसी को कोरोना हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरी आपसे आखिर में गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू, मेहरबानी।